Hello, hello. हेलो। हाँ जी, आज हम करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हाँ जी, पैरामेट्रिक फंक्शंस लिखो। व्हेन बोथ वेरिएबल आर गिवन सेपरेटली दीज काइंड ऑफ फंक्शन आर नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स दिया है साइन टी, वाई दिया है लॉग टी, कहता है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है जी। जैसे ये देखो x इज इक्वल टू साइन टी, यहां वेरिएबल x से सामने क्या है t है, तो यहां क्या निकल सकता है d बाय डी टी ऑफ x, दैट इज साइन टी का cos t इंटू डी बाय डी टी ऑफ एंगल। ये क्या हो गया dx एक्स बाय डी टी कॉस टी डी टी बाय डी टी, डी टी बाय डी टी क्या हो गया 1 हो गया, ये आ गया dx एक्स बाय डी टी। ऐसे y क्या दे रखा है log t, डी बाई डी टी ऑफ वाई लॉग टी का क्या हो गया 1 बाय टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू वॉट 1 बाय, ठीक है जी। ये डी टी बाय डी एक्स हो गया, डी एक्स बाय डी टी है ये, या डी वाई बाय डी टी हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा। अब ध्यान से देखो डी वाई बाई डी टी हमने इंडिविजुअली निकाला है 1 बाय टी, और ये क्या है कॉस टी, ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स 1 बाय टी कॉस टी, 1 बाय टी कॉस टी, ठीक है जी। ये है पैरामेट्रिक में दोनों वेरिएबल्स अलग दे रखे हैं, एक्स अलग दे रखा है वाई अलग दे रखा है। इंडिविजुअली यहां निकल सकता है डी एक्स बाय डी टी जो हमने निकाल लिया, यहां निकल सकता है डी वाई बाय डी टी वो हमने निकाल दिया, तो इसको क्लब कर दिया, तो कंबाइन कर दिया। डी वाई बाय डी किसके आ सकता है, डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो जो शेप बचेगी जो रिजल्ट बचेगा वो डी वाई बाय डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी कॉस टी, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक है जी। एक्स है ए सेक थीटा, अगर हम इसमें निकालेंगे तो डी एक्स बाय डी थीटा निकल सकता है। ए सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ एंगल, तो डी बाय डी एक्स बाय डी थीटा हो गया आपका ए सेक थीटा टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा टेन थीटा, ए से ए कट गया
एक्स से sec कट गया, ये बचा आपका dy बाय डी एक्स, sec थीटा बाय टेन थीटा, वन बाय cos थीटा, cot हो गया, ये हो गया cos थीटा sin थीटा, तो बचा क्या cosec थीटा, क्या बचा cosec थीटा, ठीक है जी। ये होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, जैसे ये देखो x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा, तो अब पहले x को इंडिविजुअली करेंगे, ये क्या हो जाएगा dx बाय d थीटा, a पावर नीचे लाए, पावर एक से कम करी, इंटू d बाय d थीटा ऑफ इंटरनल पार्ट, तो ये dx बाय d थीटा हो गया a, टू cos थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ एंगल थीटा, ठीक है जी। बी साइन डी बाय डी थीटा हो गया टू साइन थीटा cos थीटा, पावर नीचे लाए, पावर एक से कम करी, इसका क्या होगा cos थीटा इंटू डी बाय थीटा, लो जी डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा बच्चा क्या जी माइनस बी बाय, क्या बचा माइनस बी बाय ए, ठीक है जी। ये होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखो जैसे ये देखो x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस साइन टू थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा, वाई का देखो जी ये है, अगर डायरेक्ट आपकी स्पीड तेज हो चुकी हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो डी वाई बाय डी थीटा, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा और इसका हो गया कॉस टू थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये आ गया डी वाई बाय डी थीटा, टू कॉस टू थीटा, ठीक है जी, ये आ गया आपका dy बाय dx।
ठीक है जी। हेलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। ठीक है, dx बाय डी थीटा हो जाएगा 2 cos 2 थीटा और ये हो जाएगा 4 sin 4 थीटा। देखो डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। y इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा -3 sin 3 थीटा +6 sin 6 थीटा, क्योंकि साइन 6 का -sin 6 हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे 6 आएगा। कॉस 3 थीटा का -sin 3 थीटा हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे -3 आ जाएगा। ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, साइन 4। ठीक है जी, देखते जाओ। देखिए x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू a cot स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू a tan थीटा का होल स्क्वायर लिख लो। डेरिवेटिव क्या होगा, d x बाय डी थीटा, a बार रखा, पावर नीचे लाए, पावर 1 से कम कर दी, इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ इंटरनल। सो डी एक्स बाय डी, क्योंकि इस बार सामने वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है डायरेक्ट। 2a tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आ गया डी एक्स बाय डी, क्योंकि थीटा का डायरेवेटिव करेंगे 1 आएगा। ठीक है, स्क्वायर को हमने लिख दिया कॉट थीटा की पावर 2, तो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, पावर नीचे लाए, पावर 1 से कम करी, 2a कॉट थीटा। कॉट थीटा का डायरेवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप एंगल का डायरेवेटिव करना भी चाहते हो तो कर सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। तो ये हो गया डी वाई बाय डी थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है जी, मौज करने की कोशिश करो। लो जी, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो गया 1 ओवर साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी,
ये क्या बन गया, एक कॉस, ये कॉस सारी जगह ऊपर मर्ज हो गए, कॉस 4 थीटा, और नीचे क्या बन गया, साइन 4 थीटा, यानी माइनस कॉट 4 थीटा। ये आ गया आपका dy बाय dx, ये आ गया dy बाय dx, ये आ गया dy बाय dx। ये टाइप वन चल रहा है अभी, ध्यान रखना, सिंपल एंड स्ट्रेट वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वेयर और 1 प्लस t स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस t स्क्वेयर। सामने वेरिएबल क्या है, t, सामने वेरिएबल क्या है, t। dx बाय dt हो गया 1 प्लस t स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्वेश्चन टू लगाएंगे 1 प्लस t स्क्वेयर इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस t स्क्वेयर, ठीक है जी, ये आ गया dx बाय डी टी। सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाएंगे खींच के, माइनस 2t माइनस 4t ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कीजिए, 2t स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 4t स्क्वेयर, डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, dy बाय dt हो गया 2 माइनस 2, ठीक है जी। ठीक है जी, dy बाय dt, dy बाय dt दैट इज 2 माइनस t स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ये माइनस 4t। लो जी, सिंप्लीफाई हो क्या बचा, माइनस, ठीक है जी, क्या बचा, माइनस 4t। चले जी आगे, देखो x इज इक्वल टू a 1 माइनस t स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2bt ओवर टी स्क्वेयर प्लस, लो जी dx बाय dt निकालेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वेयर, a बाहर रख लो बेशक,
वन प्लस पी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर। माइनस टू टी क्यूब अंदर अंदर रखो, माइनस टू टी माइनस टू टी क्यूब। माइनस फोर्टी ओवर टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बस। ठीक है जी, अब y की तरफ dy बाय dt। टी स्क्वायर इंटू डी बाय डी बार रख लो बेशक, इसका इजी हो जाता है बाद में। डी बाय डी टी ऑफ टू टी है जी। अब dy बाय डी एक्स क्या होता है, dy बाय डी टी ओवर डी एक्स बाय डी टी। देखो इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो कट ही जाएगा, बच्चा क्या b बाय ए टू माइनस टू स्क्वायर। ठीक, टाइप वन चल रहा है, देखिए जी x इज इक्वल टू t प्लस वन ओवर t स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू टू टी ओवर, ठीक है जी, ठीक है जी। सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का है,
लो जी डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय सेम टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल। ठीक है जी, एक और देखो, x इज इक्वल टू एम टी माइनस वन ओवर टी स्क्वायर प्लस, एम टी प्लस टू ठीक है जी, तो डी एक्स बाय डी टी एम ऐसे रखा, क्वेश्चन रूल लगाएंगे टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। देखा ना, कोई चीज जो आपको शुरू में सिखाई गई है सारी यूज हो रही है, ये नहीं आप उसको बिना सोचे बिना करे यहां तक पहुंच जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इन टू डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया डी एक्स बाय डी टी एम प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी लीजिए, वाई वाला पार्ट लीजिए, ठीक है जी, लो जी डी वाई बाय डी टी। फिर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है जी, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। लो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी
ऑडिट, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाय डी टी। लो जी डी वाई बाई डी टी क्या है आपका, तो जी ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। अभी तक तो बड़ा सिंपल पार्ट है, ठीक है, जो मुश्किल वाला पार्ट है वो सेकंड टाइप में आता है, डबल डेरिवेटिव। बेसिकली अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी का आएगा, डबल डेरिवेटिव का, ठीक है जी। इसके तीन चार क्वेश्चन करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना जी। चलिए जी टाइप टू देखते हैं, सारी कहानी यहां से ज्यादा क्लियर होगी आपको। ठीक है जी, टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एक्सपेक्टेड, यही आता है पेपर में अगर आएगा तो। अगर इजी आ जाए तो इजी, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल है ही नहीं। जैसे इधर देखो ध्यान से, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, एक वेरिएबल y है दूसरा x है, तो जो हम क्या निकालेंगे dy by dx, क्या निकलेगा dy by dx। निकालने का तरीका वही, dy by dx ऑफ y पावर नीचे लाए, पावर एक से कम की, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, क्योंकि जो सामने वेरिएबल होता है वही चल रहा होता है। 4x³ और dx बाय dx तो ये 1 हो ही गया, ये पहला आ गया आपका dy बाय dx। अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो लिखना पड़ेगा d बाय dx अगेन ऑफ dy बाय dx, फिर वही पावर नीचे लाओ, पावर एक से कम करो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। लो जी ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स क्या हो गया 1। ठीक है ना, ये डबल डेरिवेटिव निकालने का तरीका। ये तो इजिली निकल आया क्योंकि दोनों में एक ही वेरिएबल चल रहा था। अब पैरामेट्रिक में दिक्कत आती है, आराम से देखना जरा। जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जैसे पहले वाई को करते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इंटू डी डी बाई थीटा एंगल क्या बचा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी वाई डी थीटा। यहां तक तो बहुत आराम से आप पहुंच जाओगे, डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लोगे, दैट इज डी वाई बाई डी थीटा, लो जी। अब जरा ध्यान से देखना, ये बना माइनस कॉट थीटा, सामने तो थीटा है तो डेरिवेटिव तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सामने वेरिएबल क्या थीटा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी थीटा ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेकंट स्क्वायर थीटा, क्या बचा कोसेकंट स्क्वायर थीटा, इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा। ये बन गया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा इंटू डी एक्स कोसेकंट स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स को यहां रखो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, डी थीटा को यहां ले जाओ, डी थीटा को यहां ले जाओ, यहां ले जाओ,
आपको चाहिए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स से यहां डिवाइड कर लिया, डी एक्स से यहां डिवाइड कर लिया, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। अगर आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो डी थीटा बाय डी एक्स से आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99% या 100% यही आता है पेपर में क्वेश्चन। माइनस कोसेकेंट क्यूब, साइन का रिवर्स कोसेकेंट, कोसेकेंट को कोसेकेंट से करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेकेंट क्यूब थीटा। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है, ठीक है ना, कि जो आना है। व्हाट इट कॉपी कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
हेलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। हेलो, देखिए एक और देखिए क्वेश्चन, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है जी। वाई इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, dx/dt। -2t, 2t, ठीक है जी। ये आ गया dx/dt, सिंपलीफाई कर लो इसको। लो जी ये कट गया, -4t ओवर 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर। d/dt of 2t -2t इंटू d/dt of t स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 है जी। अब निकालेंगे dy/dx। dx/dt लो जी 2 माइनस 2t स्क्वायर, बेसिस उसे में कट के ये बचना है। अब आपका dy/dx आ गया 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर -4t। जो डेरिवेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टी हो सकता है, ठीक है जी। लो जी आ गया d²y dx इंटू dt -4t, और ये भी कितना बचा -4t, 2 माइनस 2t स्क्वायर -4 ओवर 16t स्क्वायर। dx/dt आ गया। अब आपको चाहिए d²y/dx 24t² - 8/16t² dt को यहां ले आया, dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया,
हरी डीटी बाय डीएक्स, तो रिवर्स हो गया इसका, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर माइनस 40। ठीक है जी, रिजल्ट बना 24 टी स्क्वायर माइनस 8 ओवर 16 टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 प्लस ऐसे छोड़ दो बहुत है तब भी, माइनस 64 टी, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, डबल डेरिवेटिव वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है जी, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ध्यान रख लेना। एक्स इज इक्वल टू sec थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 2 tan थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव। एक्स इज इक्वल टू a sin क्यूब y इज इक्वल टू b cos q, फाइंड y इज इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस टैन थीटा, वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है जी, ये कर लोगे कोई मार नहीं सकता आपको, देखो करना आपने ही है पेपर में जाकर। ठीक है, पेपर में तो आप ही ने करना है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसका मतलब है कि आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर, और जिसको आप एफ डबल डैश एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन आया वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश भी लिख सकते हैं,
एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं और dy बाय dx भी लिख सकते हैं. क्या लगेगा? प्रोडक्ट टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. माइनस x साइन x प्लस कॉस x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. अगर आप दोबारा डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो y डबल डैश बोलेंगे, इसे f डबल डैश x भी बोलते हैं, इसे d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर भी बोलते हैं. तो यहां पर दोबारा से प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स. साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स. साइन एक्स माइनस साइन एक्स. सिंप्लीफाई कर दो, एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हो इसको, y डबल डैश भी लिख सकते हो. माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x. माइनस टू साइन x. ठीक है जी, इसे ये देखो, ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा? वन. इसका वही रूल, पावर नीचे लाओ, पावर एक्स से कम करो, ठीक है. ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाय एक्स, यानी x की पावर माइनस वन. दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो वही रूल, पावर नीचे लाओ, पावर x से कम करो, माइनस वन ओवर एक्स, माइनस वन ओवर एक्स. ठीक है जी, जैसे ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स. तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे? पहला डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू से, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? वन बाय एक्स. इसका हो गया थ्री एक्स. ठीक है जी, दोबारा से करते हैं जी. इसका तो हो गया, पावर नीचे लाए, पावर एक से कम कर दी, यहां पे फिर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टू, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये हो गया सिक्स एक्स, ये हो गया वन. ठीक है जी, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और सिंप्लीफाई हो सकता है तो और कर लो, टू प्लस थ्री फाइव एक्स हो जाएगा. लो जी, y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स. अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले प्रोडक्ट टू लगाएंगे, ठीक है, फिर सीधा कर लो, साइन एक्स
इंटू ई एक्स लिख लो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। अब दोबारा करने जाएंगे, इधर अलग प्रोडक्ट टू लगेगा, इधर अलग लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, दैट इज ई एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ये कट गया पूरा, वाई डबल डैश एक्स, टू कॉस एक्स ई एक्स, टू कॉस एक्स ई एक्स। ये होते हैं डबल डेरिवेटिव। जैसे ये देखो, वाई इज इक्वल टू e की पावर 5x साइन 3x, ठीक है जी, e 5x साइन 3x, सीधा कर लो, साइन 3x पहले लिख लो, e 5x, पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थ्री कॉस थ्री एक्स। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ, साइन थ्री एक्स ई फाइव एक्स ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 25 ई फाइव एक्स, फाइव ई फाइव एक्स, साइन एक्स का कॉस थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल थ्री, लो जी थ्री कॉस थ्री एक्स, और इसका हो जाएगा फाइव ई फाइव एक्स, लो जी कॉस का माइनस साइन थ्री फिर आएगा, माइनस नाइन ई फाइव एक्स कॉस थ्री एक्स, ठीक है जी। अब जो निपट सकते हैं निपटा लो, ये साइन है, लो ये और ये कंपैटिबल नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो, तो क्या बचा आपके पास, सिक्सटीन ई फाइव एक्स साइन थ्री एक्स, और ये आपस में डबल हो, सिक्स कॉस थ्री एक्स फाइव ई फाइव, ठीक है, लो जी और कर लो इसको, ठीक है जी आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, ये डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना।
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर. दोबारा से करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर करा, ठीक है जी, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो. लो ये डबल डेरिवेटिव, ये क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव, क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी. ये देखो log cos x, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसमें, पहला डेरिवेटिव वन अपॉन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल माइनस साइन x बाय cos, माइनस tan x, ठीक है जी. दोबारा करेंगे, tan का क्या हो जाएगा, माइनस tan का secant स्क्वायर x होता है, तो माइनस secant स्क्वायर, अब देखो टाइप टू देखो, सब कुछ घूम फिर के एक जैसे ही चलता है, ध्यान से देखें. देखो जी y इज इक्वल टू टाइप टू देखेंगे, अब y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस sin 3x, शो दैट y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू जीरो. वाई डैश करा तो क्या आया, माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x. दोबारा करने जाओ, माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x. अब ध्यान से लो, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो गया, अगेन y रिपीट कर गया, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी. जैसे ये देखो y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, show that x square y 2 plus x y 1 plus y is equal to 0. ये y 1 y 2 का मतलब, y 1 का मतलब derivative, y 2 का मतलब second derivative. अच्छा, अब जैसे y 1 निकाला, cos का minus sign हो जाएगा log x, ठीक है. अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव मोस्ट होता है, देखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 4 कॉस लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, x को इधर ले आओ, ये क्या बन गया, x y 1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x. लो जी इधर लगाओ, प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
क्योंकि वाई वन का दोबारा डेरिवेटिव करें तो वाई टू बन जाएगा, माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, फोर साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, एक्स को फिर ले आओ इधर, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन ठीक है जी, माइनस कॉमन ले लो, सुपर हिट क्वेश्चन है, तीन चार बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है जी, देखो इफ वाई इज इक्वल टू 500 E7X प्लस 600 E-7X, शो दैट वाई डबल डैश इज इक्वल टू 49Y। लो जी वाई डैश हो गया 7E-7X। दोबारा करो 549E7X हो जाएगा, 649E7X हो जाएगा, 49 कॉमन ले लो अंदर से, 500E7X 600E-7X 49Y। ठीक है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 49Y। वाई इज इक्वल टू 10 inverse x का स्क्वायर, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू, ये प्रूव करना है। वाई वन क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर नीचे लाए, पावर एक से कम की इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल पार्ट, टू टेन इनवर्स एक्स हो गया वन ओवर वन प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है जी, इसको इधर ले आओ। लो आ गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होते हैं हमेशा। बिल्कुल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, शो दैट माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। वाई डैश इसका डायरेवेटिव क्या हो गया, 10 वन, ठीक है जी, इसको इधर ले आओ। 1 - x² y - 1, दोबारा डायरेवेटिव करेंगे, फर्स्ट सेम इनटू डायरेवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेम इनटू डायरेवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका हो गया जीरो। लो जी, 1 - x² y" इसका जब डायरेवेटिव करोगे तो पावर नीचे लाए, पावर एक से कम करी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, ठीक है जी, ये -2x हो गया, ये कट गया। लो जी, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 - x² y" ये खत्म हो गया। आ गया ही पेपरों में ऐसे क्वेश्चनों का चांस ज्यादा रहता है। देखो y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, show that y" + y, लो ये हो जाएगा a cos x माइनस b sin x, दोबारा करो, माइनस a sin x माइनस b cos x, ठीक है जी।
ठीक है जी। इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी में, होमवर्क में वो कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में मिसलेनियस करवा के फिनिश कर देंगे।